हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। गाइज, अगर आप भी अपने माउस कर्सर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने माउस कर्सर को हाईलाइट कैसे कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर और बिल्कुल फ्री में। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये काम हम विंडोज 10 में करने वाले हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 या 8 है तो भी कोई बात नहीं, आपका काम भी हो जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसी तरह के कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइज, विंडोज में माउस कर्सर चेंज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है माउस सेटिंग्स। इसके बाद आपको माउस सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एडिशनल माउस ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके माउस की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। अब आपको पॉइंटर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विंडोज की तरफ से दिए गए कुछ कर्सर मिल जाते हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप इनमें से कोई भी कर्सर सेलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि माउस कर्सर को हाईलाइट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फाइल दिखाई दे रही है, आप ये मान लीजिए कि ये एक ग्राफिक्स इमेज है और हमें इसकी जगह दूसरी फाइल को अपलोड करना है और हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा, तो उस फाइल को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो? इसके लिए आपको ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है RW डिजाइनर माउस। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है, ओपन कर्सर लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइनफुल कर्सर मिल जाते हैं, जिनका यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें हाईलाइट वाला कर्सर सेट डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है हाईलाइट कर्सर सेट। इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स में हाईलाइट कर्सर सेट दिखाई देंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पर इस कर्सर सेट को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस सेट में जितने भी कर्सर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब इसे सेव कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी, इसे अनजिप करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। फिर से एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक सेम नाम से फोल्डर बन जाएगा, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको वो सभी हाईलाइट वाले कर्सर मिल जाएंगे जो कि आपने डाउनलोड किए थे। इसके बाद आप अपने माउस को आसानी से हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद आपको फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और माउस सेटिंग को ओपन करना है। एडिशनल माउस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके माउस की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। पॉइंटर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने जो फाइल्स डाउनलोड की थी उनमें से आपको जो कलर अच्छा लगता है उसे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपका माउस हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपको वापस जैसा था वैसा करना है तो आप यहाँ से नॉन सेलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही आपका कर्सर पहले जैसा हो जाएगा। सो गाइज, इस तरह से आप अपने माउस कर्सर को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।